हाय फ्रेंड्स, कुकिंग विद स्मिता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भावनगरी गाठिया और उसके लिए हमें सामग्री चाहिए 3 कप बेसन, 1/4 कप ऑयल, 1 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून पापड़ खार, सॉल्ट टू टेस्ट और डीप फ्राई करने के लिए ऑयल। सबसे पहले हम एक पैन को धीमी आंच पे गर्म होने रखेंगे। हल्के से गर्म तवे पे हम अजवाइन को 30 सेकंड के लिए सेक लेंगे। अजवाइन को हम बेसन में ऐड करेंगे। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और गरम तवे में पापड़ खार और सॉल्ट को सेक लेंगे। इसे भी 30 सेकंड तक ही सेकना है। अब हम पापड़ खार और सॉल्ट को बेसन में ऐड करेंगे। अब हम बेसन में ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो तैयार है, अब हम इसमें से गाठिया तैयार कर लेंगे। भावनगरी गाठिया बनाने के लिए हम इस तरह का मशीन इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम बड़े छेद वाली जाली का इस्तेमाल करेंगे। अब हम मशीन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। गाठिया फ्राई करने के लिए हम तेल को मीडियम आंच पे गर्म होने रखेंगे। गाठिया के डो को हम मशीन में ऐड करने से पहले पानी की मदद से थोड़ा सा फैट लेंगे। सारा डो नहीं फैटना है, जितना मशीन का साइज है उतना ही डो ले। डो को फैटने के लिए ज्यादा पानी इस्तेमाल ना करें। डो फैट के तैयार है, अब हम इसे मशीन में शिफ्ट करेंगे। अब हम गरम तेल में गाठिया फ्राई कर लेंगे। हम गाठिया को पलट लेंगे। गाठिया अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी सारे गाठिया तैयार कर लेंगे। भावनगरी गाठिया हम इस तरह की जाली इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। भावनगरी गाठिया तैयार है। ये स्वाद में बहुत टेस्टी होते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। आप भी ये रेसिपी को ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।